2 मई 2011 जब ओसामा बिन लादेन को यूएसए के स्पेशल फोर्स सीआईए के फील्ड कमांडोज ने उसके कंपाउंड में उसे गोलियों से भून डाला, पूरी दुनिया में ये खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और चैनल्स की हेडलाइन थी, ओसामा बिन लादेन इज डेड। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब ओसामा बिन लादेन के मरने की खबरें फैली हो। इससे पहले भी ओसामा बिन लादेन के मरने की खबरें फैली थी, लेकिन हर बार वो जिंदा बच जाता था। तो 2011 में क्या ओसामा बिन लादेन सच में मरा था या फिर ये भी एक खबर ही थी? ये जानने से पहले हमें ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ जानना चाहिए। मोहम्मद बिन लादेन जो कि सऊदी अरबिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी 11 बीवियां और 52 बच्चे थे, जिनमें से एक का जन्म सऊदी अरबिया के रियाद में साल 1957 में हुआ, जिसे आज मैं, आप और हम सब ओसामा बिन लादेन के नाम से जानते हैं। इसके पिता मोहम्मद बिन लादेन की नेटवर्थ $5 बिलियन थी। ओसामा बिन लादेन ने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, जो कि सऊदी अरबिया के एक शहर जेड्डा में है, वहां से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की और मोहम्मद कुतुब से इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना। उसके कुछ साल बाद ही 1979 में सोवियत यूनियन, जिसे कि आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अब ओसामा बिन लादेन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा कि सोवियत यूनियन इस्लाम के खिलाफ बहुत एग्रेसिव है। साल 1984 में ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान के वो लीडर्स जो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे उनसे मिलना शुरू कर दिया और उनके रेजिस्टेंस के लिए फंड्स भी रेज करने शुरू कर दिए। 1984 तक लादेन की सारी एक्टिविटीज मेनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सेंटर थी। वहां लादेन ने मोहम्मद आजम, जो कि लादेन का मेंटर था, उसके साथ मिलके अरब देशों से बहुत सारे वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बनाया सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। लादेन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो वो इस्लाम के प्रति इतना ज्यादा अवेयर था, उसकी वजह से उसे एक मिलिटेंट लीडर बना दिया गया। अब मिलिटेंट लीडर का मतलब एक ऐसे ग्रुप का लीडर जो कि इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ता है, इन शॉर्ट आतंकवादी। लादेन ने 1988 में एक कंप्यूटर डाटाबेस बनाया जिसमें उन सारे वॉलंटियर्स के नाम थे, मतलब कि उसने एक नए आतंकवादी संगठन की स्थापना की जिसे आज अलकायदा के नाम से जाना जाता है। बट ये अलकायदा ग्रुप बहुत सालों तक बिना किसी क्लियर ऑब्जेक्टिव और ऑपरेशनल एजेंडा के रहा, मतलब इनका मकसद क्या है, अब आगे क्या करना है कुछ पता ही नहीं। साल 1989 में जब सोवियत यूनियन के सोल्जर्स हार के अफगानिस्तान से चले गए, तब लादेन भी वापस सऊदी अरबिया चला गया। वहाँ उसका ऐसे वेलकम किया गया जैसे कि वो उनका मसीहा हो। लेकिन जल्द ही सऊदी की गवर्नमेंट को लादेन उनके देश के लिए खतरा लगने लगा। 1990 जब ईरान और इराक के बीच पर्शियन गल्फ वॉर चल रहा था, तब सऊदी पर एक बहुत बड़ा डर था कि सादम हुसैन, जो कि तब के इराक के प्रेसिडेंट थे, वो सऊदी पर भी हमला करवाएंगे और लादेन अपने अलकायदा ग्रुप के साथ सऊदी को बचाने के लिए लड़ना चाहता था, मगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जिसकी वजह से लादेन और तब के सऊदी के लीडर के बीच एक दरार बन गई और 1991 में लादेन सऊदी को छोड़कर सूडान में सेटल हो गया। 1990s की शुरुआत में ही लादेन और अलकायदा ने अमेरिका के खिलाफ एक वायलेंट एजेंडा तैयार किया, क्योंकि उसे लगता था कि अमेरिका मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और अलकायदा ने अमेरिका में बहुत से अटैक्स भी किए, जिनमें से सबसे पॉपुलर था 9/11 अटैक, जिसमें 2 फ्लाइट्स को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि न्यूयॉर्क में था, जो कि अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें क्रैश करवा दिया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग्स ढह जाती है और इतना ही नहीं, एक और फ्लाइट को हाईजैक करके पेंटागन, वो भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, उसमें क्रैश करा दिया जाता है। सितंबर 2011, ये वो ऐतिहासिक दिन था जिसमें अमेरिका के 3,000 लोग मारे गए और ये अब तक का सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक था अमेरिका के खिलाफ। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से टेररिस्ट अटैक्स अलकायदा ने अमेरिका में किए हैं, जिसकी वजह से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के टारगेट में आ गया। और 2 मई साल 2011 ओसामा बिन लादेन को CIA के स्किल कमांडोज ने एबटाबाद पाकिस्तान में उसके घर के कंपाउंड में उसे गोलियों से भून डाला। ओसामा बिन लादेन को मारने में 15 साल का समय लगा और अमेरिका के $3 ट्रिलियन बर्बाद हुए। लेकिन क्या सच में उस रात ओसामा बिन लादेन मरा था? साल 2013 में एडवर्ड स्नोडेन, जो कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA में एक एजेंट थे, उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन जिंदा है। साल 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद पे हमला इसलिए करवाया क्योंकि वो एबटाबाद शहर को ही खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने ओसामा बिन लादेन के वहाँ होने की झूठी खबर फैलाई।
क्योंकि असल में ओसामा बिन लादेन को साल 2003 में टोरा बोरा माउंटेन जो कि अफगानिस्तान में है वहां से जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। और ओसामा बिन लादेन आज भी अमेरिका में ही है और जेल में नहीं बल्कि उसे कहीं छुपा के रखा गया है और अमेरिका उसे सैलरी भी देता है, क्योंकि अगर अमेरिका को किसी भी देश किसी भी जगह कोई अटैक करवाना होता है तो वो ऑफिशियली मिलिट्री को लेके करेगा तो जंग ही छिड़ जाएगी। तो ये सब ओसामा बिन लादेन और अलकायदा से करवाता है जिसकी वजह से अमेरिका के द्वारा कराया गया हमला टेररिस्ट अटैक बन जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से टेररिस्ट को अमेरिका छुपा के रखता है और उनसे अपना काम करवाता है, ऐसा कहना है स्नोडेन का। आपको क्या लगता है, क्या स्नोडेन सच कह रहा है कि अमेरिका ने सच में अब तक ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा है?